आप सबका, आप देख रहे हो ललन टॉप। मेरे साथ रहे विवेक ओबेरॉय जी, जो 20 इयर्स, दो दशक हो चुके हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो काफी बातचीत होने वाली है। वेलकम। थैंक यू जीशा। कांग्रेचुलेशंस, टू डेकेड्स, वाओ। Yeah, my God, I feel old. No, I mean, I was also shocked myself here when my team started telling me, sir, 20 saal hone aa rahe hain. I said, really? I'm completing 20 years. And I actually sat down to think about it and it sent me down memory lane. And I realized it's been a glorious 20 years. I've had so much fun. I've really enjoyed myself. हाँ, तो दैट लीड्स मी टू माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जब आपने डेब्यू किया था, ऑब्वियसली आपके कोई यू नो ड्रीम्स रहे होंगे, एम्बिशंस रहे होंगे कि मुझे ऐसी फिल्में करनी है, ये करना है, वो करना है। 20 साल हो चुके, गिव अस अ जिस्ट। आपने कहा कि यू नो नॉस्टैल्जिया, मेमोरी लेन, ऑल ऑफ दैट, तो आपको लगता है कि यू वर एबल टू अचीव दोज ड्रीम्स एंड ऑल ऑफ दोज एम्बिशंस? आई थिंक ऑल इज अ वेरी वाइड वर्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत हंग्री एक्टर हूं मैं, बहुत भूखा एक्टर हूं मैं। तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है फिल्में करने के लिए। तो सारे रोल तो नहीं कर दिए जो चाहिए थे, आई एम स्टिल इन दैट जर्नी, आई एम स्टिल डिस्कवरिंग, लेकिन बहुत सारे हो गए। मतलब आई वाज जस्ट इवैल्यूएटिंग, 20 साल देख रहा था, तो मैंने कहा आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव वर्क विद सम ग्रेट यू नो फिल्म मेकर्स, आई हैव हैड सम वेरी गुड आइकॉनिक फिल्म्स वेयर आई हैव बीन लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट। एंड कुछ रोल्स भी कुछ ऐसे रहे जो यादगार बन गए, एंड वो हर एक एक्टर के करियर में नहीं होता। एंड आई रियलाइज्ड हाउ थैंकफुल आई एम, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो मच ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दैट। तो बहुत अच्छा लगा ये सोचकर। तो आपने कहा कि रोल्स यादगार हो जाते हैं व्हेन यू लुक बैक, ऐसा कोई रोल जो आपके लिए यू नो मोस्ट एक हाईलाइट की तरह, और वो क्यों इतना यादगार है? आई थिंक कंपनी, पहला प्यार मेरा। You know, I think my first role ever, Chandu Nagre, pehli film, pehli baar screen face kiya, pehli baar ek hoarding pe apne aap ko dekha, pehli baar ek poster ko dekha, pehli baar ek audience ka pyar mila, pehli baar ek kirdaar ke naam se ek audience ne mujhe bulaya, wo sare anecdotes jo hain, wo sari kahaniyan jo hain meri zindagi ki, wo company se judi hui hain, wo pehli film se judi hui hain. So it's a very, very important journey for me. Mujhe yaad hai ki jab main America se padh ke aaya tha, I'd finished my master's in film, और जिंदगी में काफी scholarships जीत चुका था, काफी awards जीत चुका था, 3-time national gold medalist था acting में, performing arts में, मुझे professional theatre में Alec Padamsi जैसे बड़े बड़े लोगों ने opportunities दी थी, and I'd performed getting myself very rave reviews and stuff like that. तो already 22-23 साल की उम्र में काफी accomplished बन चुका था मैं। और जब हिंदुस्तान आया तो पिताजी ने कहा, जो तब का रेगुलर दस्तूर होता था, कि चलो अब आपके लिए एक फिल्म लॉन्च की जाए। अब्बास मुस्तान वाज सपोज्ड टू लॉन्च माय डेब्यू फिल्म, कहानियां लिखी जा रही थी, सब काम चल रहा था, एंड आई हैड अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। मुझे लगा यार, एक तो आई डोंट वांट माय फादर टू स्पेंड हिज लाइफ अर्निंग्स, यार पूरे जिंदगी की पूंजी लगा दी कि ये फिल्म मेरे बेटे के लिए मुझे बनाना है और लॉन्च करना है, एंड दूसरा समय आई फेल्ट कि इसमें मेरी मेरिट कहाँ है। अब तक जो मेरी जर्नी रही है वो मेरिट पर रही है, अब तक जो मैंने किया अपने टैलेंट के बलबूते पे किया, तो मैं इस पहले डेब्यू को भी अपने बलबूते पे अपने टैलेंट के हिसाब से करना चाहता हूँ। एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट, मुझे अभी भी याद है वो। हम पंजाबी घर के हैं तो सुबह पैरीपेना वाला हिसाब होता ही है, तो डैड चाय पी रहे थे, मैंने गया पैरीपेना किया, गुड मॉर्निंग किया, फिर मैंने कहा कि एक बात करनी है, थोड़ा बोलो। मैं कहा मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, खुद करूंगा। अरे बेटा, बट मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में ताकि तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे पाऊं। मैंने कहा नहीं, देखो आप मेरे आदर्श हो, आप मेरे आइडल हो। 7 सीटें थी सिर्फ एफटीआईआई में जब मेरे फादर ने एप्लीकेशन दी थी लाखों लोगों के बीच में, और मेरिट में उन्हें उन 7 में से 1 सीट मिली। मेरिट पे उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी की सिफारिश की चिट्ठी नहीं थी उनके पास, किसी का कोई मतलब कनेक्ट, कॉन्टैक्ट, नेटवर्क, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं था। ही केम प्योरली ऑन हिज मेरिट ना, तो ही सॉ दैट। एंड मुझे याद है अभी भी जिशा, वो जिस तरह से डैड ने मुझे देखा, ही वाज कंसर्न्ड अबाउट मी, बट आंखों में एक गर्व भी था कि क्या बात है यार, लड़के में एक दम है, सही बात कर रहा है। दैट सेट मी ऑन माई जर्नी। अच्छा, वो बोलना बहुत आसान था लेकिन उस पर खरा उतरना बहुत मुश्किल, क्योंकि अगले 15 महीने जो मैं उतरा हूँ स्ट्रगल करने और अपने पोर्टफोलियो लेकर, अपने अवार्ड्स के सर्टिफिकेट्स लेकर, अपने बॉडी ऑफ वर्क को लेकर, अपने VHS का टेप, अपनी CD जिसके अंदर मेरे छोटे छोटे क्लिप्स थे, वो सारे लेकर जाता था मैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मुझे बाहर बिठाते थे। अच्छा, आई ड्रॉप माई लास्ट नेम, मैं सबको कहता था विवेकानंद, ओबरॉय यूज ही नहीं करता था मैं।
तो सब जगह रिजेक्शन मिलना और रिजेक्शन बहुत पर्सनल होना, तो वो सारी जर्नी मैंने देखी. आई वेंट थ्रू दैट होल एक्सपीरियंस. एंड बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या स्टार्क की तरह मैं एक लिस्ट बना रहा था. अच्छा, इसने भी ये कहा, इसने भी ये कहा कि आई कैन नेवर बी एन एक्टर. एंड आई से कि एक दिन आएगा जब ये मेरे घर आएंगे मुझे साइन करने. एंड कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स ने उस बात को सुन ली. यू नो, आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद कंपनी. जब मुझे पता चला कि रामगोपाल वर्मा कंपनी जैसी एक फिल्म बना रहे हैं, मैं पहुंच गया उनके ऑफिस. मैंने कहा, सर मैं ये मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं और मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ. तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि नहीं, यू डोंट फिट द पार्ट. यू नो, तुम बहुत पॉलिश्ड हो, तुम विदेश से पढ़ के आए हो. आई नीड अ स्लम गाय, यू नो, आई नीड अ गाय फ्रॉम द अंडरबेली ऑफ मुंबई, ग्रंजी. तुम फिट नहीं कर पाओगे उसमें. एंड आई सेड, सर गिव मी वन चांस, तीन हफ्ते दे दो. तो ही थॉट इन हिज माइंड कि क्या बकवास कर रहा है, तीन हफ्ते इसमें क्या बदलने वाला है, तीन हफ्ते में. आई एम फिल्म मेकर, आई नो माई माइंड. बट उन तीन हफ्तों के लिए आई वेंट एंड रेंटेड अ कोली इन द स्लम्स. वहां जाकर रहने लगा, उस तरह से किरदार के अंदर अपने आप को ढाने लगा. एंड तीन हफ्ते बाद चंदू नागरे बन के, हाथ में कुछ फोटोज लेकर, अ डे इन द लाइफ ऑफ चंदू की, मुंह में बीड़ी, हाथ में फोटोज, पैर में कोल्हापुरी के चप्पल, बाल बिगड़े हुए, फटी हुई गंजी, ऊपर से शर्ट, पूरा हुलिया बदल के, बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे ऑडिशन का चांस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है. तो ऐसे मीटिंग को ही ऑडिशन बना देता हूँ. एंड आई लैंडेड अप इन हिज ऑफिस. एंड पहले तो वो पहचान नहीं रहे थे मुझे देखकर, और पूरे स्वैग में गया, कुर्सी खींचा, बैठा, पैर ऊपर रख दिए एकदम टेबल टॉप पर, और सामने डेथ स्टेयर दे रहा था, आंखों में आंखें डालकर. और जब वो मुझे देखने लगे तो मैंने कहा, अरे थोड़ा क्या देखता है, फोटो देख. फोटोज रख दिए टेबल पे. अच्छा, ऊपर से तो एटीट्यूड बहुत भारी था, बीड़ी बीड़ी फूक रहा था, लेकिन अंदर से मेरा दिल दुख 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 कर रहा था, बिकॉज दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी आई हैड वेटेड फॉर सो लॉन्ग. 12-15 महीने हो चुके थे. एंड देन ही सेड कि तुम मेरी फिल्म कर रहे हो. और तब मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा, सर याद है आपको, कई साल पहले आप सत्या को इंग्लिश में डब करने वाले थे. सर हाँ. आप यूटीवी के ऑफिस गए थे. बोला हाँ. सर आपने जिस वॉइस को, जिस कैरेक्टर को चुना था ना, सत्या की वॉइस, चक्री की वॉइस को डब करने के लिए इंग्लिश में, वो मैं हूं. तब मैं वॉइसिंग आर्टिस्ट हुआ करता था. ही सेड, रियली, यू आर द गाय. हाँ, आई वाज द गाय. सो हाउ लाइफ समटाइम्स कम्स अ फुल सर्कल. एंड दैट चेंज माई लाइफ. अच्छा, जब मैंने तब वो किया ना, जिसका बहुत सारे लोगों ने कहा कि रॉन्ग मूव, यार तुम कैसे अपने आप को लॉन्च कर रहे हो, काला कर दिया चेहरा, कोई ग्लैमरस कपड़े नहीं है, मनीष मल्होत्रा के डिजाइन नहीं पहन रहे हो तुम, लड़कियों के साथ डांस नहीं कर रहे हो, एक आइटम नंबर होना चाहिए जिसमें हीरो पूरे आउट एंड आउट जाके डांस करता है, परफॉर्म करता है, कुछ ड्रीम सीक्वेंस बना दो. एंड पीपल गिव मी ऑल काइंड ऑफ स्पील. बट कन्विक्शन था मेरा कि ये कैरेक्टर होगा. एंड जब कंपनी बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, तब लोगों ने कहा कि वाह, अनकन्वेंशनल डेब्यू, यू नो, व्हाट अ क्लटर ब्रेकर. आपने फिर से एक बार राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया आफ्टर योर डेब्यू, देन यू वर्क्ड अगेन विद हिम. व्हाट वाज दैट लाइक? इट वाज अमेजिंग, बिकॉज़ मैंने जब उनके साथ में रक्तचरित्र की, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था टू डू अ हिंदी तेलुगु बाइलिंगुअल एट द सेम टाइम. एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही आंध्र स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर था वो. एंड प्रताप रवि का, तो टू बी एबल टू प्ले दैट. एंड आई डोंट नो अगर आपने वो फिल्म देखी है, नहीं देखी है, बट जो वो फिल्म के फैंस हैं वो उसे एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म मानते हैं. एंड टू मी दैट वॉज एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. इट वॉज फॉर मी एज एन एक्टर, ग्रोथ वाइज, वन ऑफ माई बेस्ट परफॉर्मेंसेस. इतने 20 साल में इतना सब कुछ, अलग अलग कहानियां, किस्से, आगे के 20 साल, what does that look like as a filmmaker, as an actor? कुछ तो आपने सोचा होगा. मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ. तो बच्चा होता है ना जो दुकान में चला जाता है टॉय स्टोर में खरीदने के लिए टॉयज, तो मैं उस बच्चे की तरह हूँ. मेरा कोई स्पेसिफिक फोकस या कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए लाइफ में. आई एम जस्ट हैविंग फन, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ. फिल्में देख रहा हूँ मैं, रीमेक्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ सीरीज के लिए स्क्रिप्ट्स आ रही हैं. मुझे लगता है कि 20 साल के करियर में शायद ये मेरा बिजीएस्ट ईयर है. 7 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं. आई एम हैविंग फन, फिल्में भी कर रहा हूँ, शोज भी कर रहा हूँ, सीरीज भी कर रहा हूँ, एंजॉयिंग इट. आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मस्ती, जो एक फिल्म की रह चुकी है जिसमें आपने काम किया. हाँ, मैंने उसे प्लग करने की कोशिश नहीं की थी.
मैं ये सोचू कि आप एक बहुत कॉन्ट्रास्ट है, यू नो, फिल्म्स लाइक मस्ती और एंड देन अगेन डूइंग फिल्म्स वेयर यू आर पोर्ट्रेइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. एक बहुत ही सीरियस है, एक एडल्ट कॉमेडी है, एंड काफी ऐसे स्टार्स हैं हु रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स क्योंकि एक सर्टेन इमेज बनाना चाहते हैं वो. जी, आप इस बारे में कैसे सोचते हो? मुझे लगता है कि एक एक्टर की कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं होनी चाहिए. जब मैंने करियर शुरुआत की तो मैंने एक बहुत अलग अनकन्वेंशनल डेब्यू किया. डेब्यू के बाद जब पिक्चर चल गई तो लोगों ने कहा एक्शन हीरो, यू शुड डू ओनली एक्शन फिल्म्स. फिर मैंने साथिया की, बहुत लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए. जब साथिया चल गई तो लोगों ने कहा अब रोमांटिक फिल्में करो. तब मैंने मस्ती की, और मस्ती के लिए पहले मैंने मना कर दिया था. शायद सेड कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, एक तो कॉमेडी, ऊपर से स्लैपस्टिक कॉमेडी, ऊपर से अडल्ट कॉमेडी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड समवेयर आई रिमेम्बर थिंकिंग, आई वाज शूटिंग फॉर युवा इन चेन्नई एट दैट टाइम, फर्स्ट शेड्यूल. मैंने कहा यार आई शुड चैलेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को पुश करना चाहिए, मुझे व्हाट आई एम अनकंफर्टेबल आई शुड ब्रेक थ्रू दैट. उसको मुझे कोई दायरे में फिक्स नहीं होना है, मुझे उसे तोड़ना है, बाहर निकलना है, उभरना है. तब मैंने इंदू जी को कॉल किया, मैंने सर इंदू जी एक बार आप मुझे पिक्चर पूरी नरेट कर देंगे. एंड ही फ्लू डाउन टू चेन्नई एंड मिलाप एंड तुषार साथ में थे और मुझे पूरी कहानी सुनाई. और वो कहते ना आई फेल आउट ऑफ माई चेयर लाफिंग, वो मेरे साथ एक्चुअली हुआ, फिजिकली हुआ कि मैं सोफा से गिर गया हंसते हंसते. एंड अगली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी और सुबह सुबह मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि इंदू जी आई थिंक आई डू दिस फिल्म, मैं कर रहा हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी. एंड आई हैड सो मच फन डूइंग इट, आई ब्रोक थ्रू दैट. इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रेक द ट्रेडिशनल माइंड सेट दैट आई हैड इन माई माइंड. यार ये नहीं करना चाहिए, ये इमेज, वो इमेज कॉन्शियसनेस स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. लॉट ऑफ पीपल सेड यार तुम अभी हीरो के रोल्स कर रहे हो, तुम ऋतिक के सामने विलेन कैसे प्ले कर सकते हो, हाउ कैन यू बी डूइंग समथिंग इन क्रिश 3 एज काल. एंड माय ओनली आंसर टू दैट वाज व्हेन विल आई गेट अ चांस टू प्ले अ सुपर विलेन. हिंदुस्तान में है कितने, मार्वल की तरह हमारे पास कोई कॉमिक यूनिवर्स तो है नहीं, तो मुझे कब मौका मिलेगा, एक ही तो सुपर हीरो है क्रिश. हाउ विल आई गेट अ चांस टू प्ले समथिंग ऑपोजिट समथिंग लाइक दैट. सो आई वांटेड दैट टिक मार्क इन माय लाइफ, आई वांटेड कि यार ये भी करना है, नो आई वांटेड टू एंजॉय दैट एक्सपीरियंस. तो मैंने उस तरह से हर एक चीज करने की कोशिश की. मैंने डिसाइड किया कि मुझे चारों सदर्न लैंग्वेजेस में कम से कम एक फिल्म करनी. खुद सामने से फोन किया लोगों को और मैंने कहा यार आई वांट टू डू अ फिल्म. उसमें मैंने मोहनलाल, रामचरण, अजीत कुमार, शिवराज कुमार, ये सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ देखिए एक फिल्म कर लिया ना, एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस. इट वाज टफ, इट वाज चैलेंजिंग. दूसरी भाषा सीखना, उनके न्यूएंसेस सीखना, हम साउथ इंडियन इंडस्ट्री कह देते हैं नॉर्थ में बैठकर, लेकिन एक एक इंडस्ट्री, एक एक कल्चर अलग है, भाषा अलग है, उनके न्यूएंसेस अलग हैं, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग हैं. वो समझने में बहुत मजा आया और उनके डिसिप्लिन और उनके काम करने के तरीके में एंगेज होकर बहुत मजा आया. मैं आपको इसी के बारे में पूछने वाली थी क्योंकि अजीत के साथ आपने काम किया विवेगम में, तो उसके बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो या कुछ स्पेसिफिक हो, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री के बहुत अलग तौर तरीके होते हैं, तो आप हमें उनके बारे में बताएं. जैसे फॉर एग्जांपल अजीत अन्ना के साथ में जब मैंने विवेगम की, तो पहली बार मेरा ऐसा अनुभव रहा कि एक एक्टर चाहे उसकी शूटिंग हो नहीं हो उस दिन, रोज आके सेट पे बैठता है. चाहे उसकी उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो, अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो 9 बजे आके बैठ जाता है. ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था. तो एक्चुअली आस्ट मैं सर ये आप क्यों करते हो, मतलब मैंने डिटेल्स फिल्म के लिए दी है, तो मैं मतलब आप आके बैठे रहोगे ऐसे सेट पे? बोला हाँ, और मेरा काम क्या है दूसरा? सुबह जिम जाना है, फिर यहाँ पे आना है और सेट पे बैठना है, शाम को पैकअप करके सो जाना है, जब मेरी शूट होगी वापस आ जाऊंगा. तो वो जो अलग लेवल के डिसिप्लिन और कमिटमेंट मैंने लोगों के देखे, आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड. थैंक यू. आल्सो आपने एक सीरियस किस्म का रोल किया जहां पे आपने प्रधानमंत्री का रोल निभाया, तो आई वांट टू नो डिड यू एवर हियर फ्रॉम हिम डायरेक्टली एंड व्हाट डिड ही से, वाज ही इंप्रेस्ड? ने बहुत अच्छे से नकल उतारी मेरी कि यू नो बहुत अच्छे से किया. दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू गेस. हम कैसे कर रहे थे सालों से, इसीलिए अब जब मौका मिला पूछ रहे. आई थिंक इसको ऐसे गेस में ही छोड़ देते हैं. ओके, फेयर इनफ. मुझे ये भी पूछना था कि आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की व्हिच वेंट ऑन टू विन एन इंटरनेशनल अवार्ड एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. जी जी जी. या इट वाज वन ऑफ नवाज़ेस अर्ली परफॉर्मेंसेस. देख इंडियन सर्कस. तो उसके बाद आपने सोचा कि इसी थीम पे या इसी तरह की फिल्मों को और आपको आगे प्रोड्यूस करनी चाहिए? अब क्योंकि तब मैं एज अ प्रोड्यूसर भी आई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश
a certain structure, a way to do things. क्योंकि बीच में बहुत बिजी हो गया था setting up my startup and innovation university in Gujarat. Then I was doing my center of excellence in Nagpur that I was building. Then I was building all my startups, businesses. वो सब करते 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 एक पूरा portfolio बन गया. And production took a backseat. Now I want to create a creative production house that is only focusing on creatives and not the actual executing aspect, but to do it with an ability to empower stories. कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो मुझे लगता है, जो मुझे छूती हैं और मुझे लगता है कि ये बननी चाहिए, तो वो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ. So, आपने साउथ फिल्मों के बारे में बात की, जहाँ पे आप विलेन के रोल्स भी प्ले करते हो. How does this fit into your career? एक तरीके से आपने बताया चेकलिस्ट थी कि हर इंडस्ट्री में एक मूवी करनी है. But apart from that, in a career spanning two decades, how does it fit in? तो मुझे कभी ये नहीं लगा जिशा कि कोई कैरेक्टर हीरो होता है या विलन. मुझे कैरेक्टर में नेगेटिव और पॉजिटिव आपका कोविड टेस्ट होता है. मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स या तो इंटरेस्टिंग होते हैं या बोरिंग. बोरिंग कैरेक्टर मुझे नहीं प्ले करना. तो अगर मुझे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है, अगर मुझे एक चैलेंज महसूस होता है कि मुझे ये करना है, बिकॉज मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश कर दिया कि मुझे अब घर चलाने के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं, मुझे अब फिल्म्स वैसे नहीं करने पड़ते हैं. तो अपने पैशन के हिसाब से करता हूँ. इफ आई गेट एक्साइटेड बाय समथिंग, आई एम डूइंग इट. So speaking of interesting characters, these are हमारे top five. So I'm going to give you the character and you will give me a story or tell me कैसे हुआ वो role, how did you land that role, give me anything. Sure. And you can also tell me if these are your top five, but first I will. Okay. So the first one that I have, of course, is company. और जैसे आपने बताया कि how it happened, आप जाकर वहाँ पे रहे 3 हफ्ते. Anything else you want to tell us about the making of company? मेरा first day था. और मुझे याद है कि तब तक तो मैं सिर्फ एडी रहा था. तो हम एडी होते थे तो हमारी आदत होती थी, हमें बोलते थे जाओ एक्टर को बुला के लेके आओ. तो वैनिटी वैन के बाहर खड़े होते थे गर्मी में, तपती धूप में, नॉक करते थे और उनका कोई असिस्टेंट आता था या उनका पर्सनल बॉय आता था, बोलता सर 5 मिनट में रेडी हो रहे हैं, सर को कहना शॉर्ट रेडी है. और बाहर खड़े होते थे, जब सर आते थे तो हम सर या मैडम के पीछे 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 सेट पे चलते थे. तो ये हमारा धर्म होता था. आई रिमेम्बर कंपनीज फर्स्ट डे, वर्सोवा में एक बंगले में हमारी शूटिंग हो रही थी. एंड मैं उतरा, सेट पे आया, चलने लगा तो मैंने देखा अजय देवगन की वैनिटी वैन है, मनीषा कोइराला का नाम लिखा है वैनिटी वैन पे. एंड चलते चलते मैंने सडनली देखा विवेक ओबरॉय मेरी वैनिटी वैन. तो मेरे लिए एक मोमेंट वो था ऑफ फीलिंग लाइक अ स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि नहीं तो हम उस दरवाजे के बिल्कुल साथ किनारे में खड़े रहते थे कि जैसे 3 सेकंड के लिए दरवाजा खुला और जब तक एक्टर बाहर नहीं निकलता तब तक तो कम से कम एसी की ठंडी हवा में लगती थी वहां बाहर खड़े खड़े. तो वो एक्सपीरियंस टू हैव माय ओन वैनिटी वैन, दैट वाज एन एक्सेप्शनल फीलिंग. आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट डे. द सेकंड थिंग आई रिमेंबर वाज यार दिस इज अजय देवगन, द स्टार फॉर हूम आई यूज्ड टू बंक कॉलेज, आई यूज्ड टू बंक हाई स्कूल एंड जंप आउट एंड गो एंड यू नो वॉच हिज मूवीज, कट क्लासेस एंड गो एंड वॉच हिज मूवीज. एंड वो सामने बैठा हुआ है मेरे. You know, Ajay Devgan is saying, my first day, first scene was that scene where he's interviewing me. And Malik is saying, kaam karega mere liye. And Chandu is saying, usi ke liye aaya hu. So, wo pura attitude aur takkar wala scene. And he was so nice to me. He was so encouraging, so supportive, so sweet. Itna maza aaya na. That genuinely, ek wo camaraderie ban gayi. Ek wo jo bada bhai, chota bhai wala vibe tha, emotion tha. It came alive. So, it was an amazing feeling. My first day was fabulous. More on this about Ajay Devgan in a bit. My next one is Sathya. हाँ, तो Sathya completely जिसको कहते हैं ना happy accident, serendipity. तो मैं फिल्म कर नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म कोई और कर रहा था. And Sathya was being directed by Shah, जो बचपन का दोस्त था मेरा. हम साथ में Montessori स्कूल जाते थे जब छोटे छोटे थे. तो हम एक दूसरे के साथ एक्चुअली हमने पार्टी भी की, सेलिब्रेट भी किया कि यार तू एक्टर बन रहा है, मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, चल हम साथ में पार्टी करते हैं. तो वी वर एंजॉयिंग लाइफ. एंड एक रात में कंपनी की शूटिंग शुरू ही हुई थी, मुझे फोन आया कि आना है जल्दी आप, आई नीड टू टॉक टू यू, कुछ अर्जेंट है. तो मैं पैकअप के बाद शाद के घर पहुंचा और उसने मुझे फिल्म दिखाई अलय पायदे, जो Sathya की ओरिजिनल थी. मैंने देखी, बड़ा इमोशनल हुआ. मैंने कहा यार शायद शेयर कर रहा है भाई, अपना दोस्त है, गॉड अप हग देम. आई सेड क्या पिक्चर है, आउटस्टैंडिंग. आई एम सो हैप्पी, तुझे अच्छी लगी क्योंकि तुझे ये करनी है. तो आई सेड क्या,
मैंने कहा मेरे भाई मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ यार, I've just started, मैं किस मुंह से जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रहा हूँ, I have to wait ना, कंपनी बनेगी, रिलीज होगी। नहीं तुझे करनी है ये फिल्म, क्योंकि अभी वो जो एक्टर कर रहा था वो अब नहीं कर रहा, एंड अभी ये पिक्चर नहीं तो बंद हो जाएगी, एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर मी। पर वो पिक्चर इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैसे करके कुछ ना कुछ करके इसको वर्कआउट कर लेंगे, डेटों को वर्कआउट कर लेंगे, और सारी डेटें वर्कआउट हो गई। सिर्फ एक 4 दिन का क्लैश था जिसमें किंग खान वॉज डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस, तो इट वॉज शाहरुख, माई सेल्फ, तबू, रानी एट द हॉस्पिटल, एंड उस सीक्वेंस के लिए हम लोगों को 4 दिन का क्लैश निकालना था, एंड आई वाज शूटिंग कंपनी एट द सेम टाइम, तो दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं दिन भर कंपनी की शूटिंग करता था और फिल्म सिटी से निकलता था शाम को, फिल्म्स डिवीजन रात को पेडर रोड पहुंचता था और रात भर साथिया की शूटिंग करता था, फिर सुबह निकलता था और फिल्म सिटी, घर जाने का मौका नहीं मिलता, यू गो स्ट्रेट टू सेट, फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट टू द अदर सेट टू द अदर सेट बैक, 2 hours फ्रॉम फिल्म सिटी टू फिल्म्स डिवीजन, जो पेडर रोड से गोरेगांव गाड़ी में 2 घंटे मिलते थे उसमें सोता था मैं, बट इट फेल्ट अमेजिंग। एंड बिकॉज़ यू स्पोक अबाउट अजय देवगन, ओमकारा इज द थर्ड वन ऑन द लिस्ट। या ओमकारा इज आल्सो क्रेजी स्टोरी, अजय कॉल्ड मी एंड ही सेड कि विशाल भाई वांट्स यू टू डू दिस फिल्म, मैं कर रहा हूं, तो आई सेड ऑफ कोर्स, आई वेंट, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड प्लीज विशाल भाई आई वांट टू डू लंगड़ा त्यागी रोल, so he said nahi 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 you're too young for it and I need more mature and you know I want you to play Kesu, and kyunki maine Shakespeare wagera padhi thi to mujhe laga yaar Cassius ka role kya hai usme koi maza nahi hai, and then he said trust me tum aur main milkar Kesu Firangi ko zabardast karenge, we'll create something amazing out of it, aur mujhe yaad hai ki ek moment tha jahan pe langda tyagi omkara aur Kesu prayag ke ek mandir mein khade the on top of the mountain, matlab pahad ke tile ke upar, और वो मोमेंट है जहां पे ओमकारा आके, ओमी भैया आके मुझे तिलक लगाते हैं और बोलते हैं तुझे बाहुबली बनाते हैं, और उस मोमेंट में जो एक एक्सप्रेशन आना था उसमें एक सरप्राइज भी आना था, एक ग्रेटिट्यूड भी आना था, एक रिस्पेक्ट भी आनी थी कि आपने मुझे इतना बड़ा ये ट्रस्ट किया, बिकॉज ही थिंक्स कि बनेगा तो लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा भैया बनेगा, तो वो मैंने एक्सप्रेशन जब किया विशाल भाई आए कह रहे लगे गूस पंप्स, ही हग्ड मी एंड ही सेड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, किसी और को मिले नहीं मिले इस फिल्म के लिए तुझे बहुत अवार्ड मिलेंगे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट। अच्छा मैंने एंटिसिपेट कभी किया नहीं, मुझे हमेशा लगता था यार लंगड़ा त्यागी का रोल कितना अच्छा है, एंड आई एंडेड अप केसु फिरंगी बिकेम सच एन इंपॉर्टेंट रोल इन माय करियर, इट गॉट मी सो मच क्रिटिकल एक्लेम, सो मच, सो मेनी अवार्ड्स थ्रू आउट द ईयर, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। कभी ऐसे मुझे एक और चीज याद है कि सैफ बाल नहीं काट रहा था, सैफ के झगड़े चल रहे थे, सैफू बोल रहा था नहीं मैं बाल नहीं काटूंगा, और विशाल भाई ने बोला नहीं लंगड़ा त्यागी इतने लंबे बाल वाला नहीं हो सकता, उसको काटो छोटे करो, तो मुझे एक दिन याद है हम लोग सब रीडिंग के लिए बैठे हुए थे और वही खिटखिट खिटखिट चल रही थी, तो मजाक मजाक में मैंने एक ट्रिमर निकाला और मैंने कहा ये मैं अपने बाल उड़ा दूंगा अब सैफ बता रहा हूँ, और लंगड़ा त्यागी के लिए ऑडिशन कर लूंगा, इट्स अ रोल ओवर लाइफ टाइम, चुपचाप से बाल काट ले, एंड देन इवेंचुअली व्हेन आई वेंट टू सेट आई सॉ हिम पूरा बाल वाल उड़ा के, यू नो व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इट वाज, एंड ही डिड सच अ फिनोमिनल जॉब। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोना आस्क यू, फिल्म सेट पे कभी ऐसे एनिमोसिटी या कभी एनवियस आपने फील किया हो कि ये रोल मुझे करना था? नहीं नहीं, आई थिंक वंस यू कमिट टू समथिंग यू कमिट टू इट, नो देन यू आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी, एंड थ्री ऑफ अस हैड सच गुड केमिस्ट्री, हम तीनों इतना मस्ती करते थे, थ्री बॉयज हैविंग फन, एक छोटी सी जगह है वाई महाबलेश्वर के नीचे फुटहिल्स पर, तो वहां पे 30-40 एकड़ का एक गांव बनाया गया था, लिटरली ऑल ऑफ ओमकारा वाज शॉट इन अ सेट इन अ विलेज दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, एंड दैट वाज एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, तो हम वहीं वाई में रहते थे, वहीं शूटिंग करते थे, वहीं मस्ती करते थे, नथिंग एल्स टू डू। माय फोर्थ फिल्म इज युवा। युवा वाज आल्सो एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जब साथिया रिलीज हुई तो साथिया के प्रीमियर शो के लिए मणि सर आए, उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि विवेक मैंने ये फिल्म ओरिजिनल लिखी, मैंने ओरिजिनल को डायरेक्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा वर्जन देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने कुछ ऐसी चीजें की हैं इसमें दैट सरप्राइज्ड मी एंड आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस, आई वाज वेरी टच्ड, आई सेड कि सर थैंक यू सो मच, आई मीन कमिंग फ्रॉम यू मणि सर, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, दिस इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट, एंड ही सेड मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना, अभी तो आई थिंक दैट टाइम ही वाज शूटिंग कनतिल मुत्तमेटल, इसे मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना तुम कर रहे हो, तो मैंने कहा थैंक यू सर, दिस इज बिग ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है,
और मैं भी भूल गया, और मुझे लगा वो भी बोल के भूल गए, कभी होगा काम तो होगा। उनका मुझे एक दिन फोन आया कई काफी समय बाद कि एक चेन्नई आ सकते हो, तो मैं चला गया चेन्नई और बैठा, उन घर बुलाया, लंच वंच खिलाया, उन्होंने बोला स्क्रिप्ट पढ़ लो। एंड आई फर्स्ट रेड द स्क्रिप्ट ऑफ युवा, एंड आई रेड द स्क्रिप्ट, आई लव्ड द स्क्रिप्ट, आई थॉट इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम इन द वे इट वाज कंसीव्ड क्रिएटेड। इतना जबरदस्त तीन ट्रैक्स चल रहे हैं और किस तरह से मिल रहे हैं, तो क्या लगा? तो मैंने कहा पिक्चर बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि कौन सा रोल? तो मैंने कहा कि देखो जो अभिषेक ने जो रोल प्ले किया, देखो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कंपनी में। ये जो अर्जुन का किरदार है, ये जो बहुत एमलेस सा, बिना कोई कंपस, कोई ट्रू नॉर्थ नहीं उसकी कंपस का, कहीं उसको इतना ही है कि मेरे को यूएसडी में डॉलर में सैलरी कमानी है, यहां से निकल जाना है हिंदुस्तान से, यहाँ की प्रॉब्लम यहां छोड़ जानी है पीछे। ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने ये किया, यूएस जाके सेटल हो गए, यूके जाके सेटल हो गए, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कंट्री वाला हिसाब था उनका। एंड उसका जो टर्न अराउंड था इतना प्यारा था, द वे ही केयर्स एट द एंड ऑफ द फिल्म, वो जो इसका फुल आर्क था, फुल सर्कल था। That's when I told Mani sir, I said, I want to do this role. And he said, this is exactly the role I thought for you. I was very happy when I heard that. I said, kya baat hai? Fantastic. And it was so much fun shooting Arjun, with the exception of that horrible action accident that I had with the bike. The whole experience of Yuva was fantastic. Bahut masti ki. Maine, Abhishek ne aur Ajay ne milkar, bahut masti ki wahan pe. And that brings me to the last one, which is Lucifer, Mohanlal ke saath. Well, लाल एटन का एक दिन मुझे फोन आया एंड ही सेड कि तुमने अपने पहली फिल्म का डेब्यू मेरे साथ किया था कंपनी के साथ। आई सेड यस। ही सेड पहली मलयालम फिल्म का भी डेब्यू मेरे साथ कर लोगे? तो आई सेड मतलब? सर एक फिल्म कर रहा हूँ, पृथ्वीराज जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि तुम करो। मैंने कहा पृथ्वीराज जो एक्टर है? हाँ एक्टर है, वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। मगर ठीक है तो नरेशन कर लेते हैं, मैं सुन लेता हूँ। अब पृथ्वीराज शूट कर रहे थे हिमाचल में, उनका मुझे वहां से फोन आया। मैंने बोला यार पृथ्वी टेल मी, ही सेड कि ब्रो आई कांट फ्लाई क्योंकि मैं खुद यहाँ एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, फोन पे नरेशन कर लें क्या? सेड ठीक है। और फोन पे पृथ्वीराज ने मुझे कहानी नरेट की और मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मजेदार लगी कहानी, और वो कैरेक्टर जो है बॉबी का इतना अनोखा और अलग लगा। मैंने कहा दिस इज सच अ फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मैंने किया नहीं इस टाइप का कैरेक्टर कभी। एंड आई थिंक तभी फोन पे इंट्यूटिवली मैंने उसको कह दिया यार आई एम डूइंग इट। And it turned out to be the biggest blockbuster of all time in Malayalam. बहुत मजा आया। तो ये मेरे top five थे, आपके top five? Did I miss anything? Was there something that? I think for me, character-wise, PM Narendra Modi was an amazing character to play. बहुत बहुत जबरदस्त experience रहा। Krish 3 Kal was very difficult playing a super villain. Who's supposed to be all powerful? Her film mein villain has to be more powerful than the hero, and tabhi hero ki jeet hote hai. Jab Ravan Ravan hota hai, tab you know Ram Ram bante hain. To mere liye jo challenge tha ki yahan pe villain ko all powerful dikhana hai, lekin at the same time ek ungli ke alawa wo kuch nahi move kar sakta. Wo ek dubak ke bichara sa wheelchair mein baitha hai. To kahin na kahin apne aap ko psych karna ki wo wheelchair ek throne hai, ek singhasan hai. और वो सारी तेज, वो सारी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज यही है, लेकिन वो तेज, वो एनर्जी आंखों से निकलना, वो पावर, एब्सोल्यूट पावर, वो आंखों से निकलना है। तो वो कैसे किया जाए? दैट वाज टफ फॉर मी। अभी भी मैं कोई भी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ जब काम करता हूँ तो आके मुझे यही कहते हैं, विवेक भैया, विवेक अंकल, काल मेरा फेवरेट रोल था, यू नो। आज भी यही होता है, आके मुझे बोलते हैं, दे कनेक्टेड विद इट। आई थॉट कि बच्चे डर जाएंगे, but a lot of kids wanted to be like Carl, to have the power to be able to lift people and move people with just one finger. That was a incredibly crazy role. And Vikram Dhawan, Inside Edge, loved playing that character. Of course. Thank you so much for doing this with us. Thank you, Jisha. My pleasure.